नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। आप लगातार हमारे संपर्क में हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पॉलिटिकल रिव्यूज़ बेस्ट हैं, खासतौर से वेस्ट यूपी के बारे में हमने जितने भी अपने रिव्यू अब तक किए हैं उन सभी को बहुत सराहना मिली है। और जैसे कि आप कमेंट्स देख रहे होंगे, हर वीडियो के नीचे डिमांड आ रही है कि हम इस क्षेत्र के बारे में बताएं, उस क्षेत्र के बारे में बताएं। एक बहुत ही बड़ी डिमांड काफ़ी दिनों से मेरे पास आ रही थी, उसमें लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि मैं मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध मुस्लिम कारोबारी फैमिली राणा परिवार के बारे में बताऊं कि वो इस बार क्या करने जा रहे हैं, उनका पॉलिटिकल स्टैंड इस बार क्या है, क्योंकि उनके बारे में मशहूर है कि ये समय के साथ साथ दल बदल देते हैं और राजनीति दल पैसे के बल पर राजनीति करते हैं, इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाती हैं। बहरहाल काफ़ी दिनों से, लगभग डेढ़ दशक से इनकी राजनीति को मैंने देखा है पत्रकारिता के दौरान नज़दीकी रूप से। आपको मैं बताऊंगा कि इस परिवार का अभी फ़िलहाल क्या स्टैंड है और इस परिवार में जो अब तक दो तीन बड़े पॉलिटिकल लीडर हुए हैं उनका इतिहास क्या रहा है और किन वजहों से वो आगे बढ़े और किन वजहों से वो पीछे गए। इस परिवार में एक सांसद और दो विधायक हुए, कादिर राणा मुजफ्फरनगर से बसपा सांसद रहे, पहले वो विधायक भी रहे हैं मोरना क्षेत्र से, मोरना विधानसभा सीट अब नहीं रही। इसके अलावा इसी परिवार से उनके भतीजे शाहनवाज राणा बिजनौर से विधायक रहे हैं, बसपा के विधायक रहे हैं जिस समय मायावती की सरकार थी 2007 वाली, और उसके बाद उनके छोटे भाई नूर सलीम राणा उर्फ पप्पू राणा वो विधायक रहे चरथावल से, लेकिन 2017 में वो हार गए, 2012 में वो विधायक रहे वहां से। अब सभी जानना चाह रहे हैं कि इस बार 2019 के चुनाव में इस परिवार का क्या बैकग्राउंड है और क्या इसका अगला स्टैंड हो सकता है पॉलिटिकल, इस बारे में लोग मेरे से बहुत जानकारी मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गठबंधन हो चुका है बसपा आरएलडी और सपा के बीच में, तो इस लिहाज से जो मुजफ्फरनगर सीट है वो तो आरएलडी के खाते में जा रही है, चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस स्थिति में यहाँ से सांसद रह चुके कादिर राणा का तो वापसी का कोई मतलब नहीं उठ रहा है। तो ऐसे में कादिर राणा के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है मुजफ्फरनगर से लगती हुई बिजनौर लोकसभा सीट, वहाँ से वो गठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव और मायावती मिलकर ये गेम खेल भी दें। बहरहाल मैं आपको इन तीनों राजनीतिक राणा परिवार के सदस्यों के बारे में बताऊँ। कादिर राणा सबसे पहले कभी 80s में सभासद बने थे, इसके बाद वो छोटे मोटे नेता रहे, शहर की राजनीति करते रहे मुजफ्फरनगर की। राणा स्टील्स उनका बड़ा उद्योग है जो कि मुजफ्फरनगर में स्थित है, सभी प्रसिद्ध है, उत्तर भारत की प्रसिद्ध फैक्ट्री राणा स्टील्स है जिसका स्टील देश विदेश में खूब प्रसिद्ध है, उसी के वो कर्ता धरता हैं। बाद में आरएलडी से ज्वाइन किया, कांग्रेस में भी गए थे कादिर राणा कुछ समय के लिए, लेकिन कांग्रेस में उनका भयंकर विरोध हुआ, लोकल मुस्लिम नेता मुजफ्फरनगर के नहीं चाहते थे कि राणा परिवार कांग्रेस में आए, उनका विरोध हुआ और उसी विरोध के चलते वो आरएलडी में चले गए। अजीत सिंह साहब की आदत है कि वो कोई भी मुस्लिम नेता जब आता है तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका आरएलडी में एक स्टैंड है कि आप मुस्लिम और जाट के कॉम्बिनेशन से आसानी से जीत सकते हैं। उन्होंने कादिर राणा को मोरना से टिकट दिया और कादिर राणा मोरना से विधायक भी बन गए। लेकिन कादिर राणा ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक गेम उस समय खेला, मायावती उस समय मुसलमानों को जोड़ने के लिए वेस्ट यूपी में खासतौर से मुस्लिम नेताओं की तलाश में थी, उन्होंने कादिर राणा को ऑफर की कि आप अगर हमारी पार्टी से जुड़ें तो मुजफ्फरनगर से आपको टिकट दे दिया जाएगा लोकसभा का, और कादिर राणा बसपा में आ गए और प्रभारी बन गए मुजफ्फरनगर के। जी हाँ, और 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें वो सांसद भी बन गए, भारी बहुमत से जीते। मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन वेस्ट यूपी में हमेशा से
डोमिनेट रहा है, जहां भी ये कॉम्बिनेशन बना है ज़्यादातर उन्हें जीत ही हासिल रही है। लेकिन कादिर राणा का डाउनफॉल उनके इस कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर का दंगा जो हुआ, उस मुजफ्फरनगर के दंगे ने 2013 में कादिर राणा की एक बहुत खराब इमेज क्रिएट की। कादिर राणा ने मुसलमानों के समर्थन में इस दंगे के दौरान दो गुट थे, एक तरफ जाट लॉबी थी, एक तरफ मुस्लिम थी। इन्हीं के बीच में मुजफ्फरनगर दंगा मुख्य रूप से उभरा था और भाजपा और हिंदूवादी संगठन जो है वो हिंदू जाट के तरफ थे और मुस्लिम नेता इस तरफ थे। कादिर राणा सिटिंग सांसद थे मुजफ्फरनगर के और उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा खालापार में बुलाई गई। उस सभा के बाद सारे जिले में एक सांप्रदायिक तनाव क्रिएट हुआ। उसमें बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे सांसद से मिलने के लिए। इसका और भी निगेटिव इम्प्रेशन गया कि सांसद से सारा प्रशासन डर गया है और इसी वजह से भाजपा को मतों को ध्रुवीकरण करने में सहायता मिली। हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये चुनाव हुआ और नए नए उभरे भाजपा के नेता संजीव बालियान यहाँ से सांसद बन गए। कादिर राणा लगभग 4 लाख वोटों से यहाँ से हार गए। ये स्थिति रही उनकी। तो इस लिहाज से कादिर राणा को एक कादिर राणा के प्रति सपा बसपा संगठन में एक इस तरह का भी ओपिनियन बना कि इनकी छवि थोड़ी सी सांप्रदायिक है, दूसरी पार्टियाँ अगर इन्हें आप टिकट देंगे तो ये केवल मुस्लिम वोट ही बुला सकते हैं, बाकी सभी वोट इनसे छिटक जाएंगे, दलित वोट भी हो सकता है कि इनके साथ ना जाए। तो इस लिहाज से अभी कादिर राणा के बारे में गठबंधन ने कोई निर्णय नहीं लिया है और हो सकता है कि उन्हें बिजनौर से टिकट दे दिया जाए अगर कोई और अच्छा प्रत्याशी ना मिले। लेकिन फिलहाल कादिर राणा की स्थिति अभी स्पष्ट है। इनके भतीजे शाहनवाज राणा जो कि पहली बार 2004 में राजनीति में हाईलाइट आए थे, उन्होंने 2004 में चुनाव लड़ा था कैराना से लोकसभा का बसपा के टिकट पर। उस समय बसपा इतनी बड़ी पार्टी नहीं मानी जाती थी, उस समय सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ था और वहां से कैराना से प्रत्याशी थी अनुराधा चौधरी। इधर सपा और आरएलडी के गठबंधन से मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे मरहूम मुनव्वर हसन जो कि बहुत बड़े दबंग और मुस्लिम नेता हैं। और जब तक मुनव्वर हसन रहे तब तक कादिर राणा और राणा परिवार राजनीति में उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मुनव्वर हसन का मानना था कि उनका जो राजनीतिक परिवार है वो सबसे बड़ा मुस्लिम परिवार है मुजफ्फरनगर का, राजनीति में है जो सक्रिय, और वो किसी को अपने सामने वरना नहीं देना चाहते थे। इसलिए अनुराधा चौधरी को कैराना से जिताने में मुनव्वर हसन ने पूरी जान लगाई और बसपा के कार्यकर्ताओं और बूथ पर सक्रिय रहने वाले एजेंटों वगैरह को सुबह ही जो है उस समय कैप्चर कर लिया गया था और एक तरह से अघोषित बूथ कैप्चरिंग वहाँ पर हो गई थी और शाहनवाज राणा की स्थिति वहाँ बहुत ख़राब हो गई थी। इस बात से क्षुब्ध होकर शाहनवाज राणा ने काफ़ी बवाल भी किया था और राणा परिवार के समर्थकों ने मुजफ्फरनगर में जो डीएम का आवास था उस पर तोड़फोड़ तक कर दी थी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था, गिरफ्तारी भी हो गई थी, ये सब बवाल हुआ था। लेकिन शाहनवाज राणा बसपा में बने रहे, उन्होंने बसपा से ही टिकट लिया और 2007 में वो बिजनौर से विधायक बन गए। उस समय मायावती की जब सरकार आई थी, भारी बहुमत से मायावती जीती थी और चीफ मिनिस्टर बनी थी। लेकिन शाहनवाज राणा के साथ भी वही हुआ जो कादिर राणा के साथ हुआ था। अपने कार्यकाल के दौरान ही एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, मुजफ्फरनगर में हाईवे पर दिल्ली की लड़कियों के साथ एक रेप का मामला सामने आया, उसमें राणा परिवार के कुछ लोगों का नाम आया और इसी के चलते मायावती ने शाहनवाज राणा का पत्ता साफ कर दिया और एक समय तो ये तक हो गया था कि शायद शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उनके परिजनों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट इस मामले में माना गया था। बहरहाल वो एक अलग केस है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी समय शाहनवाज राणा को यह स्पष्ट हो गया था कि अब उनका बसपा में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अगली बार उन्होंने चौधरी अजीत सिंह से टिकट मांगा, जैसे कि उनके चाचा जी को दिया था अजीत सिंह ने, शाहनवाज राणा को भी टिकट दे दिया 2017 में खतौली विधानसभा सीट से, उन्हें टिकट दे दिया गया। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आए, चुनाव से 10-15 दिन पहले
उससे पहले वहाँ के युवा गुर्जर नेता अभिषेक चौधरी का टिकट वहाँ से फाइनल माना जा रहा था आरएलडी से, उनका टिकट काटकर एकदम से शाहनवाज राणा को टिकट दे दिया गया और शाहनवाज राणा वहाँ पर बुरी तरह से हारे। भाजपा के विक्रम सैनी वहाँ से जीतने में सफल रहे। तो इस तरह से जो है शाहनवाज राणा का भी हश्र लगभग अपने चाचा कादिर राणा जैसा ही हुआ। उनके सामने अभी कोई विकल्प नहीं है कि वो क्या करें। मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव में कहीं से टिकट ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बेहतर कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है, ना आरएलडी से और ना ही बसपा सपा से। बहरहाल इनके तीसरे अगर घर के सदस्य के बारे में बात करूँ तो वो नूर सलीम राणा है। नूर सलीम राणा किस्मत से विधायक बने थे, 2012 में चरथावल से वो विधायक बन गए थे बसपा के टिकट पर। उसकी खास वजह ये थी कि इनका जो घरेलू पैतृक क्षेत्र है सुजड़ू गांव, वो चरथावल विधानसभा के अंदर आ गया था और वहाँ से इन्हें भारी वोट मिले और उसी से वो जीतने में सफल रहे। लेकिन 2017 में वो हार गए और वहाँ से भाजपा के विजय कश्यप विधायक बन गए। अब ऐसे में जो है राणा परिवार के सामने मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विकल्प हैं 2019 के लिए। और अब तो मुझे यही लग रहा है कि 2019 में अगर इस परिवार में से कोई मैदान में उतर सकता है तो वो कादिर राणा साहब होंगे, जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद से रहे हैं, और हो सकता है कि उन्हें बिजनौर से गठबंधन का टिकट दिया जाए। लेकिन अभी सपा और बसपा में उनकी छवि को लेकर मंथन चल रहा है कि ये इनके मैदान में उतारने से कहीं मतों का ध्रुवीकरण तो नहीं होगा और इसका फायदा भाजपा का ना हो जाए। बहरहाल देखते रहिए हर्ष की बात, ऐसी और दिलचस्प जानकारियां हम आपको देते रहे हैं। आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो डले और आपको तुरंत पता लग जाए, है ना। आप मिलते रहेंगे, बात होती रहेगी, देखते रहिए हर्ष की बात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।